अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न सिलाई क्लासेस इन हिंदी। आज मैं आप लोगों को फ्लोरल फ्रॉक की सिलाई बताने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताया हुआ है, इसका मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। देखिए हमने ये कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम गले की जो पट्टी है पेपर स्टिक वो कट कर लेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा ड्रेस है, इसके लिए मैं इसमें पेपर स्टिक को आयरन करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं इसमें इस तरह कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए इस पट्टी को रखकर मैंने पेपर कैनवस को इस तरह डिज़ाइन उतार लिया है पान शेप का। अब मैं इसके बिल्कुल बाजू से किनारे से जो डायग्राम मैंने डाला था उसके बिल्कुल बाहर से इसका इस तरह कट कर लूँगी और साइड से मैं इसमें हाफ इंच या पौन इंच का पेपर स्टिक ले लूँगी। ये जो बीच का पेपर स्टिक है इसे हमें इस पट्टी में रखकर सी लेना है। ये गले की पट्टी इस तरह इसमें रखकर इसे आप चाहे तो इसे चिपका भी सकते हैं। अब मैं इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। हमारी सिलाई लग चुकी है, हम पीछे बैक साइड भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे पेपर। अब हम फ्लोरल फ्रॉक के जॉइंट्स जो नीचे घेरे में थे, जिस तरह मैंने ये जॉइंट पहले कट करके रखे हुए थे, इस जॉइंट्स को हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह हमें ये जो जॉइंट्स है इसकी मैंने कटिंग में बता रखा है, अगर आप कंफ्यूज होंगे इसलिए पहले वीडियो देख लीजिएगा कटिंग का, तब ये जॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। देखिए ये सीधा कपड़ा है और ये उल्टा, तो ये जॉइंट्स दूसरे साइड के हिस्से का है। तो अब हम ये वाले हिस्से को लेंगे, ये सीधा है और ये भी सीधा। अब हम इसी को क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह रख देंगे जॉइंट्स को, ये जो कम कपड़ा है इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो ऊपर से सिलाई डाल भी सकते हैं या फिर अंदर ही डबल सिलाई ले भी सकते हैं। मैं ऊपर से सिलाई डाल रही हूँ। ये बिल्कुल सेम तागा रहा तभी आप ऊपर से सिलाई लेना, वरना अगर तागे में कलर में थोड़ा चेंज है तो आप अंदर डबल सिलाई लगा सकते हैं। देखिए ये घेरा इस तरह जॉइंट हो चुका है। अब हम दूसरे घेरे को भी इसी तरह जॉइंट कर लेंगे। नीचे के जॉइंट लग चुके हैं, अब हम अस्तर लेंगे। और देखिए अस्तर में मैंने कपड़े की पीसेस में कपड़ा लेने की वजह से इसमें बीच में सेंटर में जॉइंट था, अब हम इसे पहले जॉइंट कर लेंगे। ये किनारा है इसलिए मैं बिल्कुल किनारे पर सिलाई ले रही हूँ, इसमें तागे नहीं निकलते हैं। अब हम इसे डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम इसे इस तरह खोल लेंगे और इस पर हम ऊपर का कपड़ा बिछाएंगे। हमें अस्तर को इसको जॉइंट करना है ऊपर के कपड़े से, तो इस तरह हम फ्रॉक को इसके ऊपर बिछाएंगे और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। देखिए हमें जॉइंट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें आस्तीन से इस बगल से आर्मोल से अस्तर अलग अलग रखना है, इसलिए हम
सिर्फ यहाँ पर आर्महोल यानी कि बगल, शोल्डर, नेक, फिर से शोल्डर, फिर बगल, इतना ही जॉइंट करेंगे। देखिए हमने ये शेप बनाकर रखा हुआ था, नीचे अस्तर में हमने नहीं बनाया था, इसलिए मैं सिलाई करे बाद इसे कट कर लूँगी। ये हमारा क्रॉस तार है और ये कपड़ा हमारा सीधे तार में है। अब हम इसके बीच का नेक कट कर लेंगे। और ये जो शेप हमने अस्तर पर नहीं कट किया था उस कपड़े को भी हम कट कर लेंगे दोनों तरफ से। अब हम इसका नेक लगाएंगे जो पहले हमने सीकर रखा हुआ था इस तरह। देखिए ये सीधे कपड़े पर हम इस तरह उल्टी पट्टी, सीधी पट्टी ये है तो हम इस तरह उल्टी पट्टी रखेंगे और रखकर इसे इस तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए जहाँ भी ये नोक आई है वहाँ पर हमें सुई को अंदर अटका कर रखना है, उसके बाद फिर से कपड़े को फिराकर सिलाई लेना है। अब हम इस राउंड पांच शेप के गले में कट लगाएंगे। कट लगाते टाइम हमारा जो सिलाई का धागा है वो बिल्कुल भी कट नहीं होना है। देखिए इस तरह हम कट लगा लेंगे जिस तरह मैंने ये लगाया हुआ है। और अब हम इस पट्टी को पलट कर अंदर की तरफ सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। देखिए हम इस तरह सिलाई लगाते टाइम नीचे से हटाकर पेपर कैनिस को थोड़ा सा हम खींच लेंगे तो फिनिशिंग इधर अच्छी आती है। यहाँ जो नोक है तो इसके नीचे के कपड़े को हमें इस तरह पट्टी को अंदर की तरफ खींचना है। ऐसा खींचने से हमने चटका तो इसमें लगाया हुआ है कट, फिर भी अंदर की तरफ खींचने से ये साफ आता है और सुई को हम अंदर अटका देंगे। देखिए इस तरह हमारा पांच शेप का नेक तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल इसी तरह हम पीछे के भी हिस्से को तैयार कर लेंगे नेक की पट्टी लगाकर। इस तरह हम पीछे की पट्टी भी लगाकर रख चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पट्टी को इस तरह हटाकर, ये सीधा कपड़ा है पट्टी उल्टी लगाई हुई है, इसमें इस तरह हटाकर शोल्डर पैक करेंगे। देखिए इस तरह, ये सीधा कपड़ा है, इसके ऊपर हम उल्टा कपड़ा बिछाएंगे फ्रंट साइड का इस तरह, यानी कि सीधे से सीधे कपड़ा चिपकना है। और अब हम शोल्डर पैक कर रहे हैं। देखिए ये पट्टी को हम इस तरह खोल लेंगे
पीछे की बैक साइड की पट्टी को इस तरह खोल लेंगे और सामने की पट्टी जो हमने पलटा कर मारी हुई थी सिलाई उसे हम अंदर की तरफ रख कर पीछे की पट्टी को इस तरह ऊपर पल कर लेंगे। और हाफ इंच का माया लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब दूसरा हिस्सा है ये, इस तरह बिल्कुल पट्टी को हम हटा लेंगे और ये जो सामने की पट्टी है हम इसी के अंदर रखेंगे इस तरह और इसे पीछे की पट्टी को इस पर रख देंगे और सेम माया लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम डबल सिलाई लगा लेंगे। हमारी डबल सिलाई लग चुकी है शोल्डर पर। अब हम इस फ्रॉक को इस तरह ओपन करेंगे। देखिए अब ये पट्टी इस तरह दिखती है क्योंकि हमने पीछे की पट्टी को पलटा कर नहीं मारा हुआ था सिलाई को। अब हम इसे इस तरह अब हम पट्टी को अंदर की तरफ पलटी करके सिलाई लगा लेंगे बैक साइड की। हमारी सिलाई पूरी लग चुकी है। अब हम इस तरह इसको मशीन में से निकाल कर देखिए शोल्डर में थोड़ा सा कपड़ा इधर एक्स्ट्रा हो रहा है 2 पॉइंट, हम इसे इस तरह कट कर लेंगे। अब हम इस पर आस्तीन लगा लेंगे। ये राउंड हिस्सा जो गले का है ये पीछे का है और ये फ्रंट साइड का है, तो अब हम इस पर आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन को भी मैंने जॉइंट करके रखा हुआ है। ये आस्तीन है, इसमें ये कली और ये कली, दो कली थी जॉइंट्स की, मैंने इसे जॉइंट करके रखा हुआ है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आस्तीन में अस्तर नहीं है। तो हम इस आस्तीन को बीच सेंटर में इस तरह कट लगा लेंगे और इस कट को हम इस सिलाई के सेंटर में रखेंगे। ये जो सिलाई है इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह आस्तीन को हम सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच का माया रखेंगे, इसमें भी हम अब हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। एक आस्तीन हमारा लग चुका है, अब हम दूसरा आस्तीन लगाएंगे। देखिए ये सामने का हिस्सा है पीछे का, अब सामने का हिस्सा है तो हम इस आस्तीन में पहले से शेप काट के रखे हुए हैं, मैंने पहले आस्तीन में शेप नहीं बताया, ये शेप को हम फ्रंट साइड के हिस्से में लगाएंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि शेप किस तरह काटते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए हम कम से कम हाफ इंच का माया तो भी हमें आस्तीन में रखना चाहिए, नहीं तो तागे निकलते हैं। बहुत से लोगों के पास वरलॉक मशीन नहीं होती है, जो घर में सीते हैं लेडीज उनके पास वरलॉक मशीन नहीं होती है, तागे निकल जाते हैं, इसलिए हमें कम से कम इतना हाफ इंच माया तो भी रखना चाहिए आस्तीन में। अब हम इसे पैक कर लेंगे आस्तीन को। देखिए हमारे दोनों भी आस्तीन लग चुके हैं, दोनों भी आस्तीन लग चुके हैं, अब हम इसे साइड से पैक कर लेंगे। देखिए ये जो आस्तीन का हिस्सा है यहाँ पर हम 3.5 इंच निशान लगा के
इस तरह 3.5 इंच निशान लगा कर। देखिए सिर्फ हमें बगल तक ही सीना है, क्योंकि हमें अस्तर और नीचे के कपड़े को, ऊपर के कपड़े को और अस्तर को अलग अलग करना है, तो हम सिर्फ बगल तक ही निशान लगाएंगे। देखिए ये जो दोनों सिलाई है ये बराबर में आना चाहिए। अगर आपकी सिलाई ये बराबर नहीं आ रही है तो आप लोग जो कम है वो कपड़े को थोड़ा सा खींच कर पकड़ सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा है उसे थोड़ा सा लूज छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों सिलाई इस तरह बराबर आनी चाहिए, और हम यहाँ रफ करके रुका देंगे। देखिए मैंने बगल के पास ही सिलाई को रुका दिया है। ये जो ज़्यादा कपड़ा है ये मैंने कट कर दिया है। अब हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह बगल पर ही रुकाएंगे। देखिए दो सिलाई भी हमने बगल में आकर रुका दी है आर्म होल में। अब हम इसे अस्तर को अलग करके सीना है और ऊपर के कपड़े को अलग करके सीना है। तो अब हम इस तरह अस्तर को हटा लेंगे, इस तरह इसमें से अस्तर को हटा देंगे। ये ऊपर का अस्तर हटा चुके हैं, अब हम नीचे की तरफ का भी अस्तर इस तरह हटा देंगे, इसमें से नीचे का अस्तर भी इस तरह हटा देंगे। देखिए मैंने इधर से ये अस्तर भी हटा दिया है और ऊपर तरफ से इधर का भी अस्तर हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो ऊपर का कपड़ा है इसमें इस तरह शेप में सिलाई लगा लेंगे पूरा नीचे तक। तो सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारा अस्तर का कपड़ा इसमें बिल्कुल भी ना सिलाई में दबे। हमें यहाँ की सिलाई संभाल के लेनी है कि अस्तर का कपड़ा हमारा इसमें नहीं आना चाहिए, और राउंड शेप लेते हुए हम सिलाई को लगा लेंगे। अब हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। दूसरी सिलाई लगाते वक्त हम थोड़ा सा गैप छोड़ रहे हैं ताकि अगर फिटिंग हो जाए तो सिलाई को खोलकर पहन सकते हैं। देखिए इस तरह डबल सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हटाएंगे और अब अस्तर लेंगे। अब ये सिलाई लग चुकी है, हम इसे हटा देंगे और अस्तर को ले लेंगे ऊपर से। ये अस्तर है और नीचे के अस्तर को भी हम लेंगे। ये नीचे का अस्तर है, इन दोनों अस्तर को हम इस कपड़े को अंदर की तरफ हटाकर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे इस तरफ। अब इस तरह हम किनारे से सिलाई ले लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा किनारे पे लिया हुआ है, यहाँ अंदर चाहे तो हम थोड़ा माया लेकर भी सिलाई को ले सकते हैं। इस पर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब मैं अंदर की तरफ से हटाकर बताती हूँ ये कैसा दिखता है। ये देखिए इस तरह, ये ऊपर का भी कपड़ा अलग है और अस्तर की भी सिलाई अलग है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी दूसरी तरफ भी सिलाई लग चुकी है। अब हम ये जो कमर का चटका था वेस्ट का चौड़ाई का, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बड़ा कट लगा लेंगे ताकि हमारा फ्रॉक फोल्ड ना हो कमर में। दोनों साइड इसी तरह हम कट लगा लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें यहाँ से निकालना है इस तरह।
ताकि शेप अच्छा आए कमर में। अब हम इस फ्रॉक को सीधा कर लेंगे। हमने फ्रॉक को सीधा कर चुका है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दामन है इसमें ऊपर के कपड़े में हम पीको करा लेंगे और अंदर के इस हिस्से में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है हमें इस तरह। टू पॉइंट कपड़ा लेना है और इसे बिल्कुल बारीक सा मोड़ना है। देखिए ये जो हम बिल्कुल बारीक सिलाई लगा रहे हैं, अगर आप इस कपड़े को पीको नहीं कराना चाहते तो इस पर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे पीको कराऊंगी। हमारी ये सिलाई लग चुकी है अस्तर की। देखिए तैयार होने के बाद ये फ्रॉक कुछ इस तरह दिखता है। जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक में बॉडी अलग करके सीते हैं घेरा फूल आता है, इस फ्रॉक में भी इसी तरह घेरा फूल आता है, लेकिन इसमें बॉडी अलग नहीं करके सीते हैं। इसे हम तुरपाई कर लेंगे, ये जो गले की पट्टी है इसे अब हम तुरपाई कर लेंगे। देखिए पूरा रेडी होने के बाद ये फ्रॉक ऐसा दिखता है, इसमें फुल घेरा आता है, पहनने पर भी ये बहुत प्यारा लगता है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक।